नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। मऊ की पुलिस तीसरी आंख से अपने नागरिकों की करेगी निगरानी। बवाल, आगजनी, दंगाइयों पर 1749 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। निजी कैमरों को भी थाने से कराएं लिंक, पुलिस रखेगी नजर। पुलिस इन कैमरों के माध्यम से चोरों पर भी कसेगी नकेल। खबर जनपद मऊ से। मऊ की पुलिस अब तीसरी आंख के जरिए मऊ में हो रहे क्राइम पर रखेगी नजर। अब वह दिन दूर नहीं जब कोई भी बवाली, दंगाई, चोर, उचक्के या किसी भी तरह के क्राइम करने वाले पुलिस के सामने यह नहीं कह पाएंगे कि उनके द्वारा यह काम नहीं किया गया, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। यही नहीं, एक्सीडेंट, हेलमेट जैसे तमाम चीजों को लेकर जो लोग जनता को परेशान करेंगे, अब पुलिस उनके खुद सीसीटीवी कैमरे के तहत उनके ऊपर निगरानी रखेगी, उन पर कार्रवाई भी करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद को ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। पूरे मऊ जनपद में 1749 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पूरे मऊ में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इन कैमरे का उपयोग जनपद में होने वाले बवाल, आगजनी और दंगाइयों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। निजी घरों में भी लगे कैमरे के थाने में लिंक दिए जाने पर उनकी भी निगरानी की जा सकेगी। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने शनिवार को मऊ जनपद में सीसीटीवी कैमरे को लॉन्च करने के बाद दिया। उन्होंने बताया, उन गांव पर खास नजर रखेंगे जहां के लोग अपने घरों को खाली छोड़कर जाते हैं और वहां चोरियां हो जाती है। इसके लिए यह कैमरा उपयोगी साबित होगा। आपको बता दें कि जनता की मदद के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चोरों पर नकेल कसने के लिए घर घर के पासवर्ड और उनके DVR सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी पुलिस खुद रखेगी। आइए देखते हैं इस संबंध में मऊ SP ने क्या बताया, कहां कहां मऊ जनपद में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। देखिए, ये दक्षिण टोला थाने पर जो आप सीसीटीवी का कंट्रोल रूम देख रहे हैं, ये जिला प्रशासन द्वारा इसमें पुलिस के सहयोग से और सभी के कोऑर्डिनेशन से ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम लगभग 10 दिन पहले यहाँ पर ऑपरेशनल किया गया है। आज उसकी पूरी टेस्टिंग विद जो हमारी कम्युनिकेशन ग्रिड है पुलिस की, चाहे रेडियो ग्रिड है, चाहे PA सिस्टम की ग्रिड है, उसके साथ आप सभी लोगों ने लाइव देखी है। इसमें ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, जिससे जो आपकी नंबर प्लेट है वो सीधे रिकग्नाइज हो जाती है, और PTZ कैमरा यानी पैन टिल्ट जूम कैमरा, जैसे जो हमारे यहाँ के जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, जो कभी भी आप लोगों को पूरी जानकारी है, जितने एरियाज आप लोगों को दिखाए गए इसमें, जो कभी भी किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा में या अन्य प्रकार की चीज़ों में कवर रहे हैं, उन सभी स्थानों को कवर किया गया है। और आप लोगों ने इसका जूम देखा है कि 200 मीटर दूर तक इसमें मक्खी भी दिखाई पड़ती है। तो अब ये कोई बहाना ले कि हम इस घटनास्थल पे नहीं थे या हम नहीं थे, उसने कराया, वो सब चीज़ें इसमें चलने वाली नहीं है। और लगभग आने जाने के रास्ते से लेकर, जैसे नगर पालिका पे जो PTZ कैमरा लगा हुआ है, उसे 360 डिग्री व्यू पूरा मिल रहा है। ये भी दिखाई पड़ रहा था कि एक फलाना व्यक्ति जो है किस मॉडल का मोबाइल चला रहा है, यहाँ तक क्लियरिटी है उससे। तो CCTV कैमरा का एक अभियान ऑपरेशन दृष्टि DGP सर की तरफ से चल रहा है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से। उसमें लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो थाना दक्षिण टोला पे आप लोगों ने देखा है, वो एक अभिनव प्रयोग है। 18 जो हमारे नगर निगम क्षेत्र हैं, उनमें पहले ही सेफ सिटी के कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। गोरखपुर जनपद में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो CCTV जो है वो अपराध का एक बिल्कुल अच्छा तोड़ है। अभी उसकी कोई काट किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जैसे हो रही है वो ऐसे उसमें कैप्चर हो रही है, और उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, वो भी उसमें कैप्चर हो रहे हैं। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने का भी लगातार प्रयास किया जाएगा। इसमें चालान से लेकर फेस रिकॉग्निशन तक की सुविधा आगे चल के बढ़ाई जा सकती है। अभी हमारे पास ये जो फोटोज़ हैं, उसमें ऑटोमेटिकली फ़ोटो है, व्हीकल है, साइकिल है, रिक्शा है, ऑटोमेटिकली उसमें फ़ोटो के रूप में भी कैप्चर हो जाता है, जो कि हमारा डेटाबेस एक लंबे समय तक का रहेगा, और 24 घंटे का इसका कवरेज है। इसे हमारी कम्युनिकेशन ग्रिड है उसके साथ भी मैच किया जा रहा है। अन्य थानों पर भी, जो हमारा आजमगढ़ तिराहे का कंट्रोल रूम है और थाना कोतवाली है और अन्य भी जगह, वहाँ पर भी इस प्रकार के मिनी कंट्रोल रूम्स जिन्हें यहाँ से लिंक करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एक और विशेष सुविधा रखी गई है कि जो भी लोग कहीं पर जा रहे हैं, अगर उनके वहाँ कोई IP कैमरा लगा है, तो वो अपने IP कैमरे का यूज़र पासवर्ड हम लोगों से साझा कर देंगे, उसको गोपनीय रूप से वो आके उसे बदल भी सकते हैं। उसको यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, उसका भी यहाँ पे हम लोग लाइव फुटेज देख सकते हैं, लाइव फीड देख सकते हैं। उसके लिए हमारे जो दो ऑपरेटर्स हैं, पुरुष और महिला कांस्टेबल, उनको शिक्षित किया गया है, उन्हें और भी प्रशिक्षित किया जाएगा। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शेडो एरिया है,
तो उसमें मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से सभी मऊ की सुधी जनता से अनुरोध है कि जितने भी सीसीटीवी एरिया हम लोग कर सकें उतना ही हमारे लिए अपराध नियंत्रण और अपराध यदि होता है तो उसका डिटेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल जो एक बड़ी चोरी हुई थी शादी के जस्ट पहले, वो सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी की वजह से 24 घंटे के अंदर खुल गई। जितनी भी बड़ी घटनाएं खुली हैं उसमें कहीं ना कहीं सीसीटीवी का रोल ज़रूर रहता है और सीसीटीवी से बचत भी बहुत सारी होती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमको किसी ने गलत फंसाया है, किसी ने कुछ किया है, तो यदि सीसीटीवी फुटेज होती है तो उससे अवश्यंभावी रूप से मदद मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये जो हमारा प्रयास है सिटी मजिस्ट्रेट साहब और जिलाधिकारी महोदय का, इसमें बहुत अतुलनीय योगदान रहा है और एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब, ईओ साहब और सीओ सिटी साहब ने भी इसमें बहुत मेहनत की है। थाना दक्षिण टोला के जो एसएचओ हैं उनके द्वारा बहुत मेहनत की गई है। उन सभी को जो हमारी कंसल्टिंग कंपनी है उसने बहुत अच्छा एक सिस्टम तैयार किया। इन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध भी है जो हमारे शासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कि इस चीज़ को लगातार बनाए रखना है और सिस्टम को ऐसे बनाना है कि हमेशा कंटिन्यू करें और इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी बजटिंग प्रोविजंस हल्का सा इसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अलग किए जा सकते हैं उसको ज़रूर किया जाए, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, एक चीज़ मैं और विशेष रूप से कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी प्रयास चालान का किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता। चालान का प्रयास सिर्फ इतना होता है कि उससे चीज़ें ठीक हों। अतिक्रमण हटाने का प्रयास सिर्फ इतना होता है कि उससे चीज़ें ठीक हों, क्योंकि कई बार चाहे बच्चे हैं सुबह स्कूल के लिए आते हैं, उनको इतना लेट होता है या उनको इतना धूल धक्कड़ का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों में भी ये हमारा जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है वो काफ़ी सहयोग करेगा। आप सभी लोगों का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान होने वाला है इसका प्रचार प्रसार करने में। और आप सभी लोगों से एक विशेष अनुरोध ये है कि अपने घरों पर एक अच्छा सीसीटीवी लगवाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि सीसीटीवी के जो हमारा सीसीटीवी है उस पर क्या होता है कि हम लोग लगवा तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन उसकी रेगुलर अपकीप नहीं रखते हैं। पावर बैकअप उसका 24 आवर्स होना चाहिए, उसके DVR में रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, DVR सुरक्षित जगह पर रखा है या नहीं रखा है, पता चला कि कोई आया पहले DVR ही उठा ले गया। DVR को सुरक्षित जगह पर रखना बहुत आवश्यक है, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या ज्वेलरी की शॉप्स हैं या कोई भी बड़ी शॉप्स हैं उनके द्वारा। प्लस उसका एंगल किधर की तरफ है, पता चला कि कोई बंदर और कौवा बैठ गया आगे तो उसका सीसीटीवी दूसरी तरफ देखने लगा, तो जिस दिन आवश्यकता है उस दिन सीसीटीवी देख ही नहीं रहा है वहाँ पे जहाँ हम चाहते हैं। उसके साथ हमारा कोई तार कोई काट गया या और कोई चीज़ हो गई, कोई सीसीटीवी ख़राब हो गया हमें पता ही नहीं चला, स्क्रीन पे आ तो रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को सामना करना पड़ता है जब हम लोग मौके पर जाते हैं। तो उसका रेगुलर ऑडिट भी आप लोग कम से कम 3 दिन 4 दिन 7 दिन पे जिसके भी घर में सीसीटीवी लगा है। और मैं बताऊं आप लोगों को, घोसी में एक चोरी पकड़ी गई, एक शराब की दुकान पे चोरी हो रही थी, उनके कैमरा पे उन्होंने देख लिया, उन्होंने SHO घोसी को बता दिया, SHO घोसी ने तुरंत जाके उस चोर को पकड़ लिया, चोर उनके वहाँ का नौकरी। तो अगर IP बेस्ड कैमरा लगवाते हैं, आजकल बहुत ये सब सस्ते सॉल्यूशंस आ रहे हैं और सिक्योरिटी से बड़ा कोई प्राइस पे करने को है नहीं, तो ये बहुत सस्ते सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आप सभी लोग अपने घरों पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं वो लोग ज़रूर लगवाइए, अपने आसपास ज़रूर लगवाइए, गांव में भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग रेकी करने के लिए आते हैं और उसके बाद अपराध करते हैं। बाहर की जो कई प्रकार के लोग हैं, इवन हम लोगों ने देखा है कि 4-5 लोग हमारी गोपनीय शाखा ने बताया था कि बहुत ही संदिग्ध प्रकार की महिलाएं घूम रही, जैसे ही उनसे पूछताछ की गई तो वो चली गई, और उसमें हम लोगों ने CCTV फुटेज भी देखा कि वो कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। एक देखिए, आप लोगों को याद होगा 3 साल की बच्ची जो डूब गई थी कोतवाली एरिया में, CCTV की वजह से ही पूरा क्लियर हो पाया कि वो कैसे गई थी और कैसे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। नहीं तो हम सबके मन में किसी के साथ जब कोई दुखद घटना होती है तो बड़ी शंका आशंका रहती है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। सिर्फ CCTV फुटेज के एनालिसिस के माध्यम से ही हम लोग उस बच्ची की बॉडी रिकवर कर पाए और जो भी हमारा कर्तव्य था उस फैमिली को जो भी सोलेस था वो मिल पाया। तो CCTV इस समय जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, क्राइम होने के बाद तो हम सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया भी एक्टिव होता है, पुलिस भी एक्टिव होती है, समाज भी एक्टिव होता है कि ऐसा क्राइम कैसे हो गया, लेकिन प्रिवेंशन का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिस पे थोड़ा सा कम ध्यान है। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत अनुरोध है, मन से अनुरोध है कि जितना इसका प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं, लगातार इसकी सीरीज़ आप लोग चलाइए और जितने भी मैक्सिमम कैमराज आप लोग, और कैमरे में बहुत अच्छा काम इधर भी सभी थानों में हुआ है और जनता ने बहुत इसमें अप्रतिम सहयोग किया है,
और हर गांव में भी इसका कवरेज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो नियर ज़ीरो क्राइम सोसाइटी की तरफ हम लोग आवश्यक रूप से बढ़ेंगे, जो हमारे शासन की और पुलिस मुख्यालय की सभी की मंशा है, जो हम सभी की मंशा है, जो समाज की एक मंशा रहती है, उसको हम लोग पाने में सफल होंगे। धन्यवाद।